मध्य प्रदेश में जहां सरकार करोड़ों अरबों रुपए पर्यावरण बचाने के लिए खर्च कर रही है, वो जगह जगह पर पंचायतों से लेकर बड़े स्तर तक पेड़ लगवाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी हैं जो पेड़ कटवाने पर आमादा हैं। अब भोपाल से निकल कर योजनाएं स्थानीय क्षेत्रों तक आती है, लेकिन उनकी हालत क्या होती है आप यह कुछ तस्वीरें देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। यह खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के गौरझामर रेंज के किशनगढ़ बीट से जुड़ी है, जहां पर फॉरेस्ट महकमे की मिली भगत से पेड़ों की कटाई चल रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यह तस्वीरें देख लीजिए, लेकिन फॉरेस्ट महकमा कोई कार्रवाई नहीं करता। यह पेड़ों की कटाई देखकर सवाल उठते हैं गौरझामर रेंज के उन अधिकारियों पर जो इस बीट के जिम्मेदार हैं और जो उस इलाके के प्रभारी हैं, कि जब मुख्यमंत्री पर्यावरण को बचाने के लिए लाख उपाय कर रहे हैं, अरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है, जगह जगह पर पेड़ लगवाए जा रहे हैं, तो आप अपनी जवाबदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है? क्या ऐसी कटाई पर आपकी नजर नहीं जाती? लेकिन अगर आपकी नजर जाती है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर यह खबर लाख सवाल खड़े करती है। इस खबर को जिले के DFO साहब जरूर देख लें और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ की फॉरेस्ट की जमीनों पर कब्जा भी हो रहा है। आपको बता दें, बीते दिनों हमने एक खबर दिखाई थी, एक मामले को उजागर किया था और हमने उसमें बताया था कि किशनगढ़ बीट में एक व्यक्ति ने फॉरेस्ट की जगह में कुआं खोद लिया है। इस पूरे मामले को लेकर गौरझामर के रेंजर साहब से भी बात की गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कार्रवाई की बात की थी, लेकिन अब रेंजर साहब पर भी कार्रवाई नहीं करने के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी खड़े होते हैं कि ऐसे मामलों पर अधिकारियों की कलम क्यों नहीं चल रही है जो सरकारी जगह पर कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है। लेकिन हम तो DFO साहब से यह गुजारिश करेंगे कि जरा इस बीट की जांच करें और जांच करने के बाद यहां के कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिनकी वजह से अंधाधुंध कटाई चल रही है और सरकारी जमीनों पर यह कब्जे कराए जा रहे हैं। जब यह पेड़ काटने वाला मामला हमारे पास आया तो हमने वहां के बीट प्रभारी गोपाल सिंह राजपूत से और यहां के रेंजर से फोन लाइन के जरिए बातचीत की, जानने की पूरा मामला कोशिश की, लेकिन बस फिर वही पूरे सवालों का एक ही जवाब निकल कर सामने आया कि हमने नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका, अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर वन ट्रैक्टर, तो देर किस बात की, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रहली सागर।